एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे हैंड सैनिटाइजर के एक्सेसिव यूज़ से हम अपने बॉडी में कौन कौन सी बीमारी को जो है वो इनविटेशन दे रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जब से ये कोरोना वायरस आया हुआ है तब से मार्केट में हैंड सैनिटाइजर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, जस्ट एक मिनट भी टाइम नहीं होते कि वो लोग जाकर हैंड वॉश कर ले। मैं मानती हूँ कि हैंड सैनिटाइजर बहुत इफेक्टिव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस बैक्टीरियाज को किल करने में जो कि हैंड्स में प्रेजेंट होता है। बट ये भी तो देखो कि अगर एक्सेसिव हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हो, उसको स्मेल कर रहे हो, हैंड सैनिटाइजर को तुरंत हैंड वॉश मीन्स हैंड पे रब करने के बाद बहुत लोग खाना खा लेते हैं तो उसको जो स्वलो करते हैं उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इथेनॉल जैसे चीज उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर 70-75% अल्कोहल से ही बना हुआ होता है हैंड सैनिटाइजर। अल्कोहल फ्री भी सैनिटाइजर्स होते हैं बट मोस्टली अल्कोहल बेस्ड ही सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल है। जो लोग खाना खाते हैं और उसको तुरंत सॉलो कर लेते हैं, सॉलो करने के बाद जो बीमारी हमें हम इनवाइट कर रहे हैं, इवन जो एनोसमिया होता है, लॉस ऑफ स्मेल का भी जो प्रॉब्लम लोगों में देखने को आ रहा है, ये 70% चांसेस हो सकता है आपका सैनिटाइजर को स्मेल करने के बाद, क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन को भी वो इरिटेट कर देता है और सेंस ऑफ जो स्मेल है वो भी हमारे 15-20 दिनों के लिए ऐसे ही चली जाती है। सबको लगता है कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी हमारा बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है हैंड सैनिटाइजर। तो ध्यान रखिए कि आपके पास अगर एक मिनट का भी आप लोग टाइम निकाल सकते हो तो काइंडली आप लोग हैंड वॉश का यूज़ करें। हैंड वॉश लाइफ बॉय, डेटॉल, कोई भी ब्रांड का आप लोग अच्छे से अगर आप लोग हैंड वॉश करोगे तो वैसे भी आपके हैंड से बैक्टीरियाज चले जाएंगे, कोई डिजीज आपको जल्दी नहीं ट्रैप कर पाएगा और आप तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हो तो आप लोग ऐसे डरिए मत, कुछ होने वाला नहीं है। बट अगर आप लोग एक्सेसिव हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करते हो तो आप लोगों को नौसिया मीन्स वोमिट आना, फील लगना वोमिट जैसा, या फिर आपको पेट में जलन जैसे प्रॉब्लम्स या फिर चक्कर आना, वर्टिगो जैसे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो इन सबको बचने के लिए आप ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर का यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आप लोग हैंड सैनिटाइजर का उस टाइम यूज़ करते हो जब आप लोग मान लो कहीं बाहर हो, ऑफिशियल वर्क कुछ भी कर रहे हो एंड दैट टाइम अगर आप लोग खाना नहीं खा रहे हो, याद रखे अगर आपको उस टाइम तक लंच टाइम ही नहीं है आपका या फिर ब्रेकफास्ट टाइम नहीं है तब आप लोग हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करो, उससे आपके हैंड के जर्म्स भी मर जाएंगे और आप सेफ रहोगे। बट मेक श्योर कि जब आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो उसके बाद तुरंत खाना नहीं खाए, और अगर खाओगे भी तो अच्छे से हैंड वॉश, कोई भी अच्छा हैंड वॉश यूज़ करो, उसके बाद आप खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और उसको स्मेल ना करें, मीन्स हैंड वॉश को, सॉरी हैंड सैनिटाइजर को स्मेल ना करें। स्मेल करने से जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट होंगे और बहुत बारी बारी जो स्ट्रांग फ्लेवर होते हैं जो अल्कोहल के वो डायरेक्ट आपके नोज में ट्रैप होंगे और फिर आपका जो लॉस ऑफ स्मेल एनोसमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थोड़ी सी भी अगर वीडियो ये यूजफुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और सेफ रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।